नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने YouTube चैनल पे सभी को मेरा राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम। अब आज वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो हमारे एक कल जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उनके बारे में थोड़ा कुछ है, जो प्लेयर हैं उनके बारे में है। रोनाल्डो, क्रिस्टिनो रोनाल्डो, रोनाल्डो है। अब देखिए इनकी थोड़ी, मैं छोटी सी आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आप नए हैं तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें और शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें, लाइक भी करें। इससे क्या होता है दोस्तों, हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए नई नई चीज़ें लाते रहते हैं। वैसे तो मेरा जो मेन फोकस है वो हमारा मेडिकल से है, बट आज मैं इसमें, मैंने कल देखा एक फीफा वर्ल्ड कप 2022 का हो रहा था, किस साल से, किस हिसाब से रोनाल्डो ने खेला, उनका नाम हुआ क्या, थे कैसे थे, उनका मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता देना चाहता हूँ। तो जो रोनाल्डो थे, रोनाल्डो, ठीक है, क्या हुआ कि इनको, शुरू से चलते हैं, बताते हैं कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, इनके बारे में सुना है कि इनकी माँ जन्म नहीं देना चाहती थी क्योंकि इनके पिताजी थे वो थोड़े शराबी थे, तो वो ड्रिंक वगैरह करते थे। सोचा उन्होंने कि अब कैसे बच्चे को जन्म दें, क्या करें, ये मैंने पढ़ा है, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, करेक्ट हमें भी नहीं मालूम है। तो रोनाल्डो जब 8 साल के थे, यानी 8 ईयर्स, तो इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, ठीक है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, फुटबॉल खेलना शुरू किया। तो पढ़ाई से ज़्यादा इनका जो रुचि थी वो उनका फुटबॉल में थी, सबसे ज़्यादा फुटबॉल में थी। उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, बेहतरीन प्रदर्शन किया, अच्छा प्रदर्शन इनका हुआ। और एक यहाँ पे मैं बात आपकी काटना चाहूँगा थोड़ी सी, कि फिर उन्होंने क्या किया, जैसे 10-12 साल के थे तभी एक क्लब था FCB, तो वहाँ पर एक थे, उन्होंने देखा कि ये बच्चा सही खेलता है, तेज खेलता है, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास इतना समय नहीं था कि वो पेन और वो कॉपी वगैरह ले सकते, तो उन्होंने क्या किया, जो नैपकिन होता है, पेपर जो होता है, नैपकिन, टिश्यू पेपर, उसी पे इनके साइन ले लिए और बोला आप हमारी तरफ से खेलोगे, ठीक है। इस तरह से उनका लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई, गेटअप किया उन्होंने। बीच बीच में बताया जाता है कि इन्होंने, रोनाल्डो जो थे ना, खेलते गए, अपने खेलते गए, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने का बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इनको अंडर जो 17 टीम थी उसमें ले लिया गया इनको। इनका जो प्रदर्शन था, जो फुटबॉल खेलना था, बहुत अच्छा था, तो इनको क्या किया कि अंडर 17 में इनको टीम में जगह मिल गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि रोनाल्डो थोड़ा आगे बढ़े, अपना प्रदर्शन करते रहे, और रोनाल्डो ने 2003 में 18 साल की उम्र में पुर्तगाल के लिए अपना सीनियर अंतर्राष्ट्रीय पर्दापण किया, ठीक है। उसमें क्या था, तब से वो 180 से अधिक मैच अर्जित कर चुके थे, ठीक है, जिससे वह पुर्तगाल के सबसे कैप्ड खिलाड़ी बन चुके थे, पुर्तगाल के सबसे अच्छे खिलाड़ी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 100 से अधिक गोल के साथ वह देश के सार्वजनिक, सॉरी सर्वकालिक जो होता है, शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी बने, सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी वो बने। अब क्या होता है कि रोनाल्डो और फुटबॉलर, मैं एक छोटी सी, कैसे वो बन गए, पहले हुए मद्रा के क्लब टेस्परबो नेशनल के लिए खेले, जैसे मैंने आपको बताया था उनके लिए खेले, फिर वो स्पोर्ट्स क्लब, जो स्पोर्ट्स क्लब था डी पुर्तगाल, स्टेनिंग लिविस्टन के रूस में जाना के रूप में, सॉरी रूस नहीं, रूप में जाना जाता था, ठीक है, इसके नाम से वो जाना जाता है। फिर मैं स्थानीय में हो गए, फिर
फिर स्थान पर हो गए जहां उन्होंने 2002 में स्पोर्टिंग की पहली टीम में अपनी शुरुआत करने से पहले उस क्लब की विभिन्न युवा टीमों के लिए खेला। ठीक है, युवा टीम थी उनके लिए ये उन्होंने खेल खेला। लेकिन एक मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो क्लब था उनका, उनको शाइन कर लिया गया और करीब 21 वर्ष तक वो उस क्लब के हिस्सा रहे और उनको क्लब से जब हटना पड़ा तो उनकी आंखें नम थी और वही टिश्यू पेपर उनकी हाथ में था जिससे वो अपने आंसू पोंछ रहे थे। तो कहने में ये आया कि जहाँ तक कि मैंने सुना है, देखा है और न्यूज भी देखी तो उसमें पता लगा है कि रोनाल्डो जब निकले उस क्लब से अपना कुछ बताने के लिए तो वो टिश्यू पेपर था उनके पास जिसपे उनको शुरू 8-10 साल की या 12 साल की उम्र में उनसे साइन किया गया था, वो टिश्यू था उनके पास। तो उन्होंने बोला मुझे टीम क्लब में रहने दो और मेरी सैलरी आधी कर दो, मैं आधी सैलरी पे भी काम कर लूँगा, ऐसा न्यूज में सुना है आता है। चलिए अब ये यहाँ से इनकी शुरुआत होती है। तो आते हैं 2022 के वर्ल्ड कप फीफा में आते हैं। अच्छा प्रदर्शन किया कल उन्होंने, हमने भी मैच देखा और लगता है सब लोगों ने मैच को देखा, लेकिन मैच इतना रोमांचक था, इतना अच्छा था, टीमें दोनों प्रदर्शन कर रही थी, दोनों तरफ से ही काफ़ी जोर ताबड़तोड़ चल रहा था और अर्जेंटीना का भी अच्छा सा चल रहा था, दोनों लोगों का, फ्रांस और अर्जेंटीना। तो क्या हुआ, अर्जेंटीना में जीत जाती है और जिसका श्रेय जाता है रोनाल्डो पे। रोनाल्डो की जीत का खुशी का ठिकाना नहीं है, कोई 35-36 साल के बाद टीम ने जाके उसमें अपनी जगह बनाई, अपना स्थान बनाया और उसको, उस कप को उसको लेते हुए खुशी से उनके आंसू निकले। खुशी इतनी थी, इतना उनके अंदर था कि उनके आंसू तक निकल आए और अपनी खुशी का लहर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में लहरा दिया उन्होंने कि रोनाल्डो है। लेकिन कुछ बताते हैं, समझते हैं, जिस तरह से हमने उनकी खबर निकाली है कि वो एक गरीब माता पिता थे उनके, मजदूर समझ लीजिए बोलते हैं, बट पूरी डिटेल हमको पता नहीं है। तो हम जो हमने पढ़ा है वही हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत की और एक क्लब ने उनको साइन किया, उस क्लब की मदद से मान लीजिए, या गॉड गिफ्ट मान लीजिए, या क्लब के जो ओनर हैं उनका मान लीजिए। और उस दिन से आज दिन तक रोनाल्डो ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बढ़ते गए आगे अपना खेल का प्रदर्शन करते रहे। तो देखिए, आगे बढ़ने वाला किसी के रुकने से रुकता नहीं, किसी के कहने से, किसी के समझाने से या किसी के किसी बात से रुकता नहीं, जिसको बढ़ना होता है वो बढ़ता ही रहता है। तो ये हमारी एक छोटी सी एक कहानी थी रोनाल्डो के बारे में। और कल का जो वर्ल्ड कप जीता है, सब पूरे विश्व में दिल जीत लिया है और आज हर न्यूज पे रोनाल्डो बस यही आई है, ये न्यूज सबसे ज़्यादा फैली हुई है क्योंकि बहुत बेहतरीन काम किया है। जो कतर में ये आपका हो रहा था फीफा का, और रोनाल्डो ने यानी अर्जेंटीना ने वो जीत के दिखाया है। इसी बात पे समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।